हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवा। आज मैं आपसे कर्सिव राइटिंग के बारे में बात करने आई हूँ। मैं कर्सिव के कुछ स्ट्रोक्स बताऊंगी आपको, जिसके बाद आपका बच्चा कर्सिव राइटिंग लिखना सीखेगा। डायरेक्ट तो हम कर्सिव राइटिंग डायरेक्ट हम बच्चों को नहीं सिखा सकते, इन स्ट्रोक्स के बाद ही वो कर्सिव राइटिंग सीखेंगे अगर अच्छी लिखेंगे। और ज्यादातर स्कूल्स में LKG से कर्सिव राइटिंग स्टार्ट हो गई, तो आपका बच्चा अगर कर्सिव नहीं लिख पाता तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कराएं, अगर एडमिशन कराने वाले या करा दिया है। क्योंकि बहुत से बच्चों को देखा गया है कि वो पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं पर राइटिंग बहुत खराब होती है, और राइटिंग एक बहुत बड़ा इंप्रेशन है। अगर आप कुछ किसी को कुछ लिख कर देते हैं तो इंसान फौरन देखता है और कहता है कि वाह क्या राइटिंग है। और कर्सिव राइटिंग ऐसी है कि देखते ही एकदम इंप्रेशन आ जाता है कि हाँ कर्सिव कितनी अच्छी बच्चे ने लिखी हुई। तो चलिए हम कुछ स्ट्रोक्स की बात करते हैं और उन स्ट्रोक से कौन से लेटर्स बनेंगे वो बात करते हैं। सबसे पहले तो कर्सिव राइटिंग में स्मॉल लेटर्स ही सिखाए जाते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में हम बच्चों को पहले ABCD कैपिटल लेटर्स में सिखाते हैं, मगर कर्सिव में हम उनको स्मॉल लेटर से सिखाते हैं, क्योंकि स्मॉल थोड़ा ज्यादा इजी है शायद इसलिए, क्योंकि मेरी बेटी की LKG से स्टार्ट हो गई थी कर्सिव और उसने पहले स्मॉल लेटर ही सीखा। मेरे बेटे ने भी पहले स्मॉल लेटर सीखा। ऐसे कुछ स्ट्रोक्स थे तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए बताती हूँ मैं। सबसे पहले इस टाइप का स्ट्रोक्स बनेंगे, ये सी की तरह पैटर्न आपको बनाते चले जाना है। ये देखिए, ये बच्चे को प्रैक्टिस कराएं, ये पूरे पूरे पेज में बच्चे को बनना है। इससे अगर हम बात करें लेटर्स की तो इससे बन रहा है हमारा सी और बन रहा है डी। उसके बाद हम पैटर्न की बात करें तो ये एक ये पैटर्न होता है, इस पैटर्न से तो बहुत सारे अल्फाबेट बनते हैं, जैसे कि बी बनता है, H बनता है, K बनता है, F बनता है, P बनता है। उसके बाद जो पैटर्न है वो ऐसे आता है, ये बच्चे को प्रैक्टिस करें पूरी पूरी पेज में। 4 लाइन कॉपी ही ले, पूरी पूरी पेज में बच्चों से ये करवाएं। इससे अगर हम बात करें तो इससे बनता है E और जरा सा इसको सीधा करके बन जाता है आई। उसके बाद अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये देखिए, ये ओ जैसा बनता है, इसकी प्रैक्टिस बच्चों को जरूर कराएं। इससे हम बात करें तो बनता है ए, देन जी, देन ओ, क्यू। उसके बाद ये वाला एक पैटर्न है, ये आपने देखा होगा कर्सिव, अगर आपने कर्सिव की बुक देखी होगी तो उसमें ये, इससे तो हमारा बन जाता है एस। देन एक ये पैटर्न होता है, ये इससे बनता है हमारा यू, वी, डब्ल्यू, यस। और एक इसी को ऐसे ऊपर से बनता है, ये इससे बनता है एम, एन। तो ये स्ट्रोक बच्चों को कराने के बाद ही कर सकते आप जाएं, क्योंकि जब ये बच्चे स्ट्रोक्स कर लेंगे तो कर्सिव आसानी से लिखने लगेंगे। आगे के वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मिला के कैसे कोई वर्ड लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरे लेटर्स लिख के दिखाती हूँ, स्मॉल भी कैपिटल भी। ए ऐसे बनेगा, देन बी, देन सी, देन डी, E, F, G, H, I, J, K, L, N,
एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। अब इन्हीं के कैपिटल लेटर्स भी लिख देती हूँ। कैपिटल ए ऐसे बनेगा, कैपिटल बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। तो ये है हमारा कर्सिव ए टू जी कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, बच्चों की प्रैक्टिस कराएं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन्हें मिला मिलाकर जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है कैसे लिखते हैं। तो चलिए पहले इसकी प्रैक्टिस कराइए, बच्चों को लिखवाइए ताकि उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो और उनकी हैंडराइटिंग के लिए कभी कोई उन्हें टोक ना पाए। चलिए आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डू सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।